YouTube पे बहुत ज्यादा कार्टून के वीडियोस देखा जाते हैं और जो भी ये वीडियो ऑनलाइन कोर्स में मिलता है जिसपे आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है और उसमें आपको कई चीज ऐसा सिखाया जाता है, बहुत कुछ नहीं भी सिखाया जाता। आपने भी YouTube पे इस तरीके का कार्टून का वीडियोस देखा होगा और आपने भी सोचते होंगे कि इसको यूज करने के लिए, इसको बनाने के लिए कुछ कोडिंग का जरूरत होता है, तो कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं दो एप्लीकेशन का यूज करूंगा, दो सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा, एक कार्टून एनिमेशन बनाने के लिए और दूसरा कार्टून एनिमेशन को जिस तरीके से हम लोग बनाएंगे उसको एडिट करने के लिए। बिल्कुल बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को मैं उस तक को कवर करूंगा, दिखाऊंगा कि कैसे इस तरीके का वीडियो हम लोग बना सकते हैं, यूट्यूब पर डाल के ढेर सारा पैसा हम लोग इसमें कमा सकते हैं। तो बिना टाइम लॉस किए चलेंगे हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे इस तरीके का कार्टून का वीडियो लेकर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्रोमाटोन्स का एक एप्लीकेशन होता है जिसपे कि हम लोग कार्टून्स के वीडियोस बनाते हैं, एनिमेशन इसमें पूरा कंप्लीट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ एप्लीकेशन होता है और ये एप्लीकेशन मिलेगा कहाँ, ये एप्लीकेशन के लिए आपको प्ले स्टोर पर चले जाइएगा। प्ले स्टोर में जा करके आपको टाइप करना है क्रोमाटोन्स और ये जैसे ही टाइप करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपका ओपन होगा और इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन पे। जब इंस्टॉल करके जब ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है ये फर्स्ट फेज में ये खुलता है, जहाँ पे बिल्कुल अच्छे अक्षर में लिखा हुआ है स्टार्टिंग। यहाँ से बिल्कुल इस चीज़ को स्टार्टिंग से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस सिलेक्ट वन रिकॉर्डिंग इंजन दैट सपोर्ट योर डिवाइस। आपका फ़ोन, ठीक है, आपका फ़ोन एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, 8, 9, 12, 13 या फिर 13+ अगर है तो आपको रिकॉर्डिंग टाइप 1 रखना है। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन जो है, फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन जो है 10, 11 है तो आपको रिकॉर्डिंग टाइप जो है वो 2 पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल 2 का यूज़ करूँगा क्योंकि मेरा वर्जन जो है वो 11 है, तो मैंने इसको इस तरीके से टच करके ये ओपन कर दिया, ठीक है। अभी जैसे ओपन होता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ये सारे कैरेक्टर्स जो है यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने आ जाएंगे, ठीक। बिल्कुल मैं धीरे धीरे बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, बहुत स्लो मोशन में इसको मैं क्लियर करूँगा इस पर कार्टून्स के वीडियोस बनाना। और मैं इस बार यूज़ जो करूँगा, जो क्रोमाटोन्स में जो बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर्स रहते हैं उसी कैरेक्टर्स को ही यूज़ करके मैं वीडियोस बनाऊँगा इसमें, ठीक है। कंप्लीट एनिमेशन दिखाऊँगा, हर एक चीज़, बहुत सारा चीज़ मैं इसमें आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये बिगनर के लिए है, बेसिक है, इसलिए मैं हर पॉइंट इसमें कवर करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है कि यहाँ पे अभी आपके पास 4 कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको मिल जाता है। अगर मान लीजिए आपको इसी से ही वीडियोज़ बनाना तो आप इसी से बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से ये जो 4 है इसमें से आप चाहते हैं कि 2 को हटा दें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेडी 3, 4 इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके का कैरेक्टर सारा दिया हुआ है। तो अब एक एक करके आप चाहते हैं हटाना तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नन दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करके ओके कर देंगे तो देख सकते हैं कि कैरेक्टर जो है आपका हट चुका है। इसी तरीके से आप सबको हटाना चाहते हैं तो उसी तरीके से ऑप्शन से आपको सब हटा देना है। इसी तरीके से एक एक करके क्लिक कीजिए, नन कीजिए और सारा का सारा कैरेक्टर जो आपको बिल्कुल हट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब आप चाहते हैं इसमें एक कैरेक्टर को इन करना और उस पर एनिमेशन करवाना, उस पर कुछ काम करवाना, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक एनिमेशन के लिए मैं एक कैरेक्टर को पहले यहाँ पर इन करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा बाय डिफ़ॉल्ट इस एप्लीकेशन में आपको कैरेक्टर्स इस तरीके से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं एक कैरेक्टर को उठा लेता हूँ, मान लीजिए कि मैंने इस विलेज मैन को उठा लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको ओके, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर यहाँ से चलते हुए बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ये क्रॉस करे, ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करवाएँगे इसको, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, के लिए अभी मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे मैं रख दूँगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी बैकग्राउंड में ही बनाना आप चाहते हैं तो इसी बैकग्राउंड में बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस बैकग्राउंड को बिल्कुल चेंज कर देना तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन पर आपको कर देना है इस तरीके से क्लिक, और यहाँ पर बैकग्राउंड दिख रहा है, इस बैकग्राउंड वाले पर यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पर आपको बाई डिफ़ॉल्ट इतने सारे बैकग्राउंड जो यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ बैकग्राउंड अपने को यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड यहाँ पे मिलता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में एक बैकग्राउंड दिया हुआ है ग्रीन स्क्रीन एंड ब्लू स्क्रीन, मतलब ये ग्रीन स्क्रीन में जब आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो बैकग्राउंड होता है वो बिल्कुल ग्रीन स्क्रीन में हो जाता है, ठीक है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर ब्लू स्क्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों हम लोग
बैकग्राउंड को यूज़ तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि कुछ अलग तरीके का बैकग्राउंड जो है वो मेरे अपने वीडियो में दिखे, अलग तरीके का गांव दिखे, अलग तरीके का, जैसा इस तरीके का बैकग्राउंड बहुत सारा दिखता होगा आपको कि जैसे गांव का हो गया या फिर किसी घर के अंदर का सीन हो गया, उस तरीके का बैकग्राउंड के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन का। इस पर आपको सिंपल तरीके से अपना इसमें क्या करना होता है, हमें अपना जितना भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग का यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग होना ये चालू हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा, बिल्कुल अभी बेसिक बताऊँगा ताकि आपको यहाँ से एक अच्छे तरीके से आइडिया मिल जाए कि किस तरीके का हम लोग एनिमेशन बना सकते हैं, किस तरीके से हम लोग वीडियोज़ बना सकते हैं। उसके बाद जब आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अलग अलग तरीके से ग्रीन स्क्रीन का यूज करके आप उस तरीके से वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने वीडियो अपने चैनल पे बना करके रखा है, अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उसको आप देख करके बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड था इसका, मैं उस बैकग्राउंड को यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये बैकग्राउंड है। तो चलिए अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा ये कैरेक्टर जो है यहाँ से निकल करके ये यहाँ जाए। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हमको इसके लिए एनिमेशन देना पड़ेगा, तो वो एनिमेशन भी आपको इसी एप्लीकेशन में मिल जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये प्लस का बटन दिख रहा है, ठीक है, इस प्लस वाले बटन पर इस तरीके से क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस तरीके का एनिमेशन जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मूव पे देख सकते हैं, आइडल मिल जाएगा, मूव वन में पंच, मूव टू में केक, मूव थ्री में बहुत सारा यहाँ पे आपको है, यहाँ पे सारा कुछ आपको एनिमेशन मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कैरेक्टर का साइज़ और कुछ बड़ा करना आप चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। पीछे में देख सकते हैं कि कैरेक्टर का साइज़ जो वो बड़ा छोटा हो रहा है, इस तरीके से आप बड़ा छोटा भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें अगर एनिमेशन हम लोग को यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ कि ये चलते हुए जाए और कुछ बोलते हुए जाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको जो आइडल का ये बटन दिख रहा है इस पर मैं इस तरीके से यहाँ पे कर दिया मैंने क्लिक। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जैसे देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा एनिमेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी एक एनिमेशन पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इस पर आइडल पे क्लिक किया, यहाँ पे सिटिंग वाले पे, नी वाले पे, तो देखिए यहाँ पे ये भी बैठ गया। ठीक है, और उसके बाद फिर किसी दूसरे पे करूँगा, मान लीजिए अटैक वाले पे किया तो देख रहे हैं कि ये भी अटैक कर रहा है। फिर से यहाँ पे मैं एनिमेशन अगर चेंज करके मैं कुछ और एनिमेशन डालूँ, लेडी वॉक, तो देखिए अभी लेडी वॉक की तरह इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे एनिमेशन है, इस तरीके का एनिमेशन को आप यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस पर जो एनिमेशन डालूँगा मैं वॉकिंग एंड टॉकिंग का डालूँगा, जिसके लिए मैं फिर से क्या करूँगा, इसी पे ऑप्शन पे जो हमारा यही वाला डिफ़ॉल्ट मूव वाले पे, इसी पे मैं आ जाऊँगा और यहाँ से स्क्रॉल करना है, थोड़ा थोड़ा करके नीचे आते जाना है, इस तरीके से नीचे आते जाइए। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एनिमेशन यहाँ पे आपको भी दिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, टॉक वाइल वॉकिंग, देखिए यहाँ पे मैं अभी इसको मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो देख रहे हैं कि अभी ये बोलते हुए यहाँ से जा रहा है, बट अभी क्या है कि अभी जैसे ये चल रहा है तो सिर्फ अपने ही जगह पे चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से चल करके यहाँ तक आए। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें, इसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे इस तरीके से पकड़ूंगा, मैंने अपना हाथ को स्क्रीन के ऊपर में रखा हुआ है। ठीक है, हाथ बोले तो अपने फिंगर को मैंने स्क्रीन के ऊपर में रखा है, और कहाँ पर रखा, ये जो मूव लिखा हुआ है इस मूव पे ऐसे पकड़ना है, पकड़ करके धीरे 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 मैं ऐसे करके घसकाने वाला हूँ। तो वह मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिकॉर्ड वाला जो आपको बटन दिख रहा है, इस रिकॉर्ड वाले बटन पे इस तरीके से आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट नाउ पर कर देना है क्लिक। जैसे ही स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक कर देंगे तो पूरा का पूरा टूल्स, जितना भी टूल्स आपको दिख रहा था वो सारा का सारा टूल्स जो है अभी वो गायब हो गया, अभी कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मूव यहाँ पे अभी आपको मूव दिख नहीं रहा होगा, मगर मूव कहाँ था, जस्ट इसके लेग के नीचे में ही मूव था, है ना, मूव बोले तो मूव का जो बटन था हमारा, है ना, इसके लेग के नीचे में ही था। अगर आप कहीं भी और पकड़ेंगे तो इसका जो भी एनिमेशन है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें इसके लेग के नीचे में, या जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मूव इसके नीचे में ही मूव था। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट इसको पहले पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये बंदा कुछ बोलते हुए जा रहा, ठीक है, यहाँ से ये धीरे धीरे आपको आराम से धीरे धीरे इस तरीके से क्रॉस करना, अगर आप चाहते हैं कि बहुत स्पीड में क्रॉस करवाना तो स्पीड में भी करवा सकते हैं, धीरे चाहते हैं तो धीरे करवा सकते हैं, जिस तरीके का आप वीडियोज़ बनाएंगे उस तरीके से आप करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ तक करके इसको यहाँ से कर दिया पार। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में आपको क्रोमा टोन्स दिख रहा होगा, यहाँ ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे, इस तरीके का आएगा तो क्या करना है, यहाँ से आपको कर देना है ओके। आप जैसे ही आप ओके कर देंगे आप देख सकते हैं कि सारा टूल्स जो है वो वापस से आ गया। ठीक है, एक जो हमारा एनिमेशन का पार्ट में एक पार्ट जो था
वो कंप्लीट हो गया। जैसे आप लोग भी देखते होंगे, जैसे नॉर्मल लाइफ अगर किसी का रहता है, कोई आदमी अगर कहीं से आता है तो उस तरीके का एक पार्ट होता है, जब वो घर में जाता है तो दूसरा पार्ट होता है, जब घर से कुछ काम करके कुछ वापस कहीं दूसरे काम पर जाता है वो थर्ड पार्ट होता है। तो इसी तरीके से मैंने चलने वाला का एक पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया, उसको मैंने रिकॉर्ड करके सेव कर लिया अपने गैलरी में। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पॉइंट्स मेरी समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको, ठीक है, अब ये वाला जो कैरेक्टर है, अब मैं चाहता हूँ इस कैरेक्टर को हटा देना यहाँ से, अब ये कैरेक्टर मेरे साथ में नहीं रहेगा। तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे इस कैरेक्टर पे क्लिक करूँगा, इस विलेज मैन को यहाँ पे मैं कर दूँगा यहाँ से नन। हमारा कैरेक्टर हट चुका है, आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें अभी क्या करूँगा, 2 से 3 कैरेक्टर को मैं इसमें इन करवाऊँगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने इंडिया वाइफ को ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक छोटी सी बच्ची को मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पे इन करवाना, तो एक छोटी सी बच्ची को भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देख लेते हैं कि एक छोटी सी बच्ची भी जो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने 2 कैरेक्टर को यहाँ पे इन करवा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बच्ची का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस वाले बटन पे इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको साइज दिख रहा है, इस साइज को इस तरीके से हम लोग छोटा कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी इस तरीके से मैंने छोटा कर दिया, ओके कर दिया। आप देख सकते हैं कि बच्ची का साइज जो है वो छोटा हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चाहते हैं कि इसका फेस और इसका फेस दोनों अपोजिट साइड पे हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस बटन है ना, इस प्लस वाले बटन पर हमें कर देना है इस तरीके से क्लिक। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोने में आपको फ्लिप दिख रहा होगा, ये फ्लिप का ऑप्शन खुल के आ जाता है, इस पर हमें इस तरीके से टिक कर देना है। देखिए, जैसे मैंने टिक किया, ओके करूँगा, तो इसका फेस जो है अभी दूसरे साइड में वो मुड़ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि इसका पीछे का बैकग्राउंड जो है वो किसी दूसरे बैकग्राउंड में हम लोग शूट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से बैकग्राउंड पे जाएंगे। ठीक है, बैकग्राउंड पे जाने के बाद अब तो आपने देख लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो बैकग्राउंड है उसको मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं इसको यहाँ पे एक बार आपको ग्रीन स्क्रीन में भी दिखा दूंगा। ग्रीन स्क्रीन में क्यों ले रहा हूँ, चूँकि मैंने अभी ग्रीन स्क्रीन क्यों लिया, चूँकि एक बार मैंने एप्लीकेशन में ही दिखा दिया कि इस एप्लीकेशन का जो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड होता है, जो इस एप्लीकेशन में ऑलरेडी दिया हुआ बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड से मैंने एक एनिमेशन आपको वहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, और सेकंड बैकग्राउंड में मैं एनिमेशन क्या दिखाऊंगा आपको, सेकंड में दिखाऊंगा कि मैं किसी दूसरे जगह से, यानी कि गूगल वगैरह से मैं एक बैकग्राउंड को डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद इसमें एडिटिंग के समय में हम लोग उसको चेंज करेंगे और उसमें हम लोग कुछ अलग तरीके से एडिटिंग इसमें करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, जैसे इस तरीके से अपना हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब उससे पहले मैं अभी क्या करूँगा, अभी मैं आपको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और भी जितने टूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये कैरेक्टर का टूल्स, यहाँ ये वाला जो टूल्स था, यहाँ से तो आपने कैरेक्टर्स को निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो सेटिंग वाला है, SP वाला है, नीचे में आपको SP भी दिख रहा होगा, और यहाँ पर ऊपर में ये वाला, यहाँ पे हेड है, चश्मा वगैरह दिख रहा है, ये सब टूल्स के बारे में हम लोग तब जानेंगे जब हम लोग इसका बेसिक जो है सारा कुछ हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद जब प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हमारी इसमें हो जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग इस टूल्स के बारे में हम लोग समझेंगे। और अगर मान लीजिए कि आप सीख चुके होंगे इसके बारे में, तो ऑलरेडी मेरा इसके लिए बहुत सारा वीडियोज़ बना हुआ है, जो कि बहुत हार्ड है, बहुत मतलब एक्सपर्ट लोग ही इसको कर सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो उसमें जा करके उसको आप कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या फिर एंड स्क्रीन में भी वो वीडियोज़ आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें सीख जाएंगे। चलिए ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि ये मम्मी जो है ये कुछ बोले और ये बेबी जो है ये चुपचाप से सुनेगी। तो मम्मी को मैं क्या करूँगा, बैठाऊँगा। ठीक है, बेटी को नहीं बैठाऊँगा, मैं मम्मी को बैठाऊँगा। तो क्या करूँगा उसके लिए, ये प्लस का बटन है, इस प्लस वाले बटन पर मैं कर दिया मैंने क्लिक, और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट मूव है यहाँ पर मैंने कर दिया इसको क्लिक। क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि बैठने वाला ऑप्शन जो है वो कहाँ पे है। बैठने वाला ऑप्शन बोले तो एनिमेशन, ठीक है, वो कहाँ पे है, तो स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करके नीचे ढूंढते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे है, क्या है, सिट आइडल, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया इस तरीके से, ये बैठ गई। ठीक है, मम्मी यहाँ पे इसकी बैठ गई इस तरीके से। अब बेटी जो है अभी उछल कूद कर रही है, तो बेटी को भी हम लोग स्थिर इस तरीके से कर देंगे। एक बार आप टाइप कीजिएगा तो इस तरीके से बेटी भी जो है हो जाएगी। बेटी में भी कुछ एनिमेशन देना चाहते हैं तो आपका वीडियो जिस तरीके से है, आपका स्क्रिप्ट जिस तरीके से, उस तरीके से जो आपको एनिमेशन आपको अच्छा लगता है, यहाँ पर आप एनिमेशन डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, अभी इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसी एनिमेशन में ही रख देता हूँ। किस तरीके से ये कुछ बोल रही है और इसकी मम्मी जो है आइडल तरीके से, यानी कि स्थिर अवस्था में उसको सुन रही है। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको एक एनिमेशन देते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखूँगा और इसको थोड़ा सा मैं डिस्टेंस दे करके यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ मैं अभी साथ में करूँगा। तो अभी मैं क्या करूँगा,
अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, बेटी जो है अभी बोल रही है, मम्मी अभी चुपचाप है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिकॉर्डिंग बटन है, इस रिकॉर्डिंग वाले बटन पे मैं कर दूँगा इस तरीके से क्लिक। जैसे ही मैं क्लिक किया, मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए ऑप्शन आ गया, तो मैं यहाँ से स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके इसको रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट हो गया। अब ये वाला जो रिकॉर्डिंग है हमें तब तक रखना है जब तक कि हमारा इस तरीके से स्क्रिप्ट रहेगा, जब तक मैं इस पर कुछ बोलूँगा, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको इसी तरीके से बिल्कुल अभी चलते हुए रहने दूँगा। क्यों? क्योंकि बेटी अभी अपनी मम्मी से कुछ कह रही है, तो वो कुछ कह रही है, ठीक है। ये हम लोग वॉइस को ऐड कैसे करेंगे, हम लोग जब एडिटिंग करेंगे तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये बिल्कुल हो जाता है, थोड़ी देर तक इसको रिकॉर्ड को इस तरीके से चलने दीजिए, या फिर ज़्यादा अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि आपने ऑलरेडी स्क्रिप्ट बना रखा है तो इस तरीके से रिकॉर्ड कीजिए और अपना स्क्रिप्ट को बोलिए आप वहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं बोल के आपको बता भी देता हूँ, अगर बेटी कह रही है अपनी मम्मी से, मम्मी पापा अभी तक घर नहीं आए, अभी कितना समय और लगेगा, पापा ने वादा किया था कि आज हम लोग कहीं घूमने चलेंगे, आइसक्रीम खाने के लिए चलेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा आपके हिंट्स के लिए मैंने बता दिया कि इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। जब ये आपका बोलने वाला चीज़ जो है कम्प्लीट हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्रोमाटोन्स दिख रहा है ये वो लिखा हुआ, यहाँ पे आपको कर देना इस तरीके से क्लिक, और आपका वीडियो जो है वो फिर से आपके गैलरी में जा करके सेव हो जाएगा। और यहाँ से आप कर दीजिए इसको ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो फिर वापस से टूल्स वाला सारा कुछ खुल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे मान लीजिए अपने कैरेक्टर के हाथ में, जैसे इस मम्मी के हाथ में अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो जाए, तो कुछ अगर हाथ में पकड़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये चश्मा और ये हैट वाला दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कैरेक्टर 1 प्रो दिख रहा है, यहाँ पे 2 प्रो दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है। अगर 1 पे अगर मैं जैसे क्लिक करूँगा और यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करूँगा, थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, तो यहाँ पे जैसे जूस आ गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके हाथ में कुछ आ गया है। फिर अगर कुछ चाहते हैं कुछ और चेंज करना, तो यहाँ से जाइए आप नीचे में, देखिए यहाँ पे कुछ और डालना है तो वहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे नीचे में कस्टम है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का कुछ इसमें यूज़ करना, जिसके हाथ में आप चाहते हैं खुद का कुछ देने के लिए, तो आप वो भी चीज़ इसमें आप दे सकते हैं। तो फिलहाल चूँकि ये बिगनर और बिल्कुल बेसिक है, इसलिए मैं ज़्यादा टफ इसको नहीं बनाऊँगा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बेसिक चीज़ सिखाऊँगा ताकि अच्छे से आप सीख सकें। अब यहाँ पे आपको जो भी यूज़ करना है आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। यहाँ से जैसे मान लीजिए कि मैंने ये हैंड में गन दे दिया, तो आप देख सकते हैं कि हाथ में एक गन भी आ गया। तो इसी तरीके से जो हाथ में देना है आप दे दीजिए। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ से कर दूँगा इसको नन, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बोनस मैंने आपको सिखा दिया कि ये आप अगर चाहते तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो यहाँ तक आपको सारा कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और रही बात कि इसमें जैसे कि ये बेबी जो थी, ये बच्ची जो थी, इसके पापा आने वाले थे, तो इसके पापा को हम लोग इन भी करवाना होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चूँकि मैंने इसको ग्रीन स्क्रीन में लिया था, चूँकि मैं अभी पीछे का बैकग्राउंड जो है इसका गूगल से डाउनलोड करके मैं फ्री कॉपीराइट्स वाले जितने भी रहते हैं मैं उसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे इन दोनों को मैं यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ से इसको कर दिया नन, ठीक है, यहाँ पे इसको कर दिया ओके, एक को मैंने हटा दिया। अब दूसरे को चाहते हैं कि इस कैरेक्टर को मैं अभी क्या करूँ, जो फार्मर था, जो इसके पिताजी आने वाले थे, मैं यहाँ से उसको मैं ले आता हूँ। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे इन करवा लिया, ठीक है। अब इसको एक बार पहले खड़ा कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ये बैठा हुआ है। अब क्या था कि ये अभी जैसे घर में इन करेगा, तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि ये घर में इन इधर से करेगा, ठीक है, चूँकि ये इधर से आ रहा भी था। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस वाला बटन है, इस पर क्लिक करना है, इस फ्लिप वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे कर देना है इसको ओके। अब जब ये कैरेक्टर मुझे यहाँ पे इस तरीके से मिल जाए, जब ये इधर की तरफ में मुड़ जाएगा, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें दो तरीके का एनिमेशन डालेंगे। एक एनिमेशन होगा जिस पे ये चलते हुए अपने घर में घुसेगा, ठीक है। घर में घुसने के बाद वहाँ पे जा कर के रुक जाएगा, रुकने के बाद फिर वो कुछ बात करेगा। तो कैसे करवाएंगे हम लोग, उसके लिए यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मूव 1 दिया होगा, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके लिए बहुत लंबा 1 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एनिमेशन को इन करवाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले जो हम लोग यूज़ करेंगे मूव 1 वाले को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मूव 1 वाले पे क्लिक करेंगे और इस पे हम लोग क्या डालेंगे, इस पे डालेंगे कि वो घर में गया और कुछ बोलना वो चालू करता है। तो इसके लिए हम लोग स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे एनिमेशन, जैसे कि मैंने बताया कि एनिमेशन आपको मिल जाएगा, नीचे में आइए, यहाँ पे बहुत सारा एनिमेशन दिया हुआ है, तो आप जिस तरीके का चाहते हैं उस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं टॉक 2 का ऑप्शन डाल देता हूँ कि वो घर गया और इस तरीके से वो रुक गया और बात करना चालू कर रहा। और फिर क्या करेंगे, एक एनिमेशन और ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, प्लस पे जाएंगे, आइडल वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और इसमें भी क्या करेंगे,
वॉकिंग करने का, यानी कि सिर्फ चलने का। ये सिर्फ चलेगा और कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है, चूँकि ये घर के अंदर इन कर रहा है तो ये कुछ बोलेगा नहीं, अब सिर्फ ये वॉक करेगा। तो स्क्रॉल कीजिए नीचे आइए, आप देखिए वॉकिंग करने का कहाँ है, तो यहाँ देख सकते हैं कि वॉकिंग करने का यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि इस पर आपको एक ही एनिमेशन दिख रहा है, इससे जो मैंने आपको टॉकिंग करने वाला दिखाया वो एनिमेशन दिख नहीं रहा, तो वो भी आपको दिखेगा इसी में ही दिखेगा। तो कैसे दिखेगा, चलिए वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। बट उससे पहले एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे प्लस वाले बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे नीचे में आपको और भी मोशन दिख रहा है, मूव 1 2 3 4 5 6। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरेक्टर अलग अलग तरीके का घर में जाने के बाद हो या फिर घर से कहीं बाहर हो, अलग अलग तरीके से एनिमेशन करे, तो आपको सारा कुछ यहाँ पे सेट करना है। उस तरीके से सेट करके आप कर सकते हैं। कैसे वो काम करेगा तो चलिए वो चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्डिंग बटन पे यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, हमारा जो है ये इस तरीके से हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं, चूँकि ये अभी तो ऑलरेडी बीच में है तो इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अपने कैरेक्टर को कभी भी बीच में मत टच कीजिएगा। बीच में जहाँ भी टच कीजिएगा आपका पूरा का पूरा एनिमेशन जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि पैर के नीचे ही जस्ट मूव रहता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको इस तरीके से पकड़ूँगा और थोड़ा सा धीरे धीरे ऐसे करके मैं आगे बढ़ाऊँगा। इस तरीके से आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ते जाएगा और अपने घर के अंदर में इन कर जाएगा। तो यहाँ तक लगभग जाएगा और अपने घर के अंदर में इन कर जाएगा, यहाँ तक इन कर गया। अब क्या करूँगा, अब मैं इसके ऊपर में मैंने एक बार इस तरीके से टैप किया, ठीक है। एक बार आप टैप किया, आप देख सकते हैं कि इसका सेकंड एनिमेशन जो मैंने क्रिएट किया था रुकने का और कुछ बोलने का, तो वो इस तरीके से रुक रहा है और बोलना भी वो चालू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसको बोलना है बोलेगा, उस तरीके से आप रिकॉर्ड भी कर लिए। रिकॉर्ड करने के बाद अभी आप क्या करना है, यहाँ पर आपको क्रोमा टून्स का बटन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और आपका वीडियो जो है वो आपकी गैलरी में जा करके सेव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा था कि कैरेक्टर के ऊपर टच नहीं करना है, मैं आपको एग्जांपल में मैं दिखा भी दूं। अगर जैसे मैंने कैरेक्टर के बीच में कहीं टच किया तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ जो एनिमेशन मैंने क्रिएट किया था वो अपने एनिमेशन से वो हट गया। फिर टच करूंगा कुछ अलग एनिमेशन आ गया, फिर टच करूंगा अलग एनिमेशन आ गया। तो इस तरीके से आपको बीच में टच नहीं करना है, हमेशा अपने कैरेक्टर के ये जो नीचे में यहाँ पे मूव है वहाँ से टच करके ही आपको सारा काम करना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, एक कंप्लीट हमारा एनिमेशन वीडियो बन करके तैयार है। अब हम लोग इसको एडिटिंग करेंगे और इसको अच्छे तरीके से नेचुरल लुक देंगे, वॉइस ऐड करेंगे और थोड़ा सा परफेक्ट इसको बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं एक सेकेंड एप्लीकेशन का यूज़ करूँगा जिस पर कि हम लोग एडिटिंग करते हैं। तो चलिए चलते हैं एडिटिंग के पास में, वहाँ पर आपको एडिटिंग के बारे में भी थोड़ा सा मैं नॉलेज दूंगा, बेसिक नॉलेज दूंगा और कौन सा एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ आपको भी बताऊँगा। मैंने अपना काइन मास्टर ओपन किया, ठीक है। ये काइन मास्टर एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पर यह भी बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप इसका वर्जन ले लें, प्रो वर्जन ले लें, तो आपको इस पर वाटरमार्क नहीं मिलेगा। अगर आप प्रो वर्जन यूज़ नहीं करते तो उस पर वाटरमार्क आएगा। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपके वीडियोज़ पर दम है, आपने जो भी कार्टून्स के वीडियोज़ बनाए हैं, तो वो वाटरमार्क से ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा खुद का जब मैंने स्टार्ट किया था तो कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि वाटर मार्क्स वाले वीडियोस हैं, जो कि मेरा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मीडिया पे जाऊँगा, ठीक है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पे मूवी वाले पे जाऊँगा और यहाँ पे जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था, जो भी हमारा रिकॉर्ड हुआ था, वो मूवीज़ फाइल में आके इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो है, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, मैं पहले तीसरे वाले को इन करवाऊँगा, ठीक है। तो मैं इस पर ऐसे क्लिक करूँगा और यहाँ हमारा ये आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट करके मैं इसको हटा दूँगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड किया था वो मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे बेस्ट तरीका, सबसे परफेक्ट तरीका क्या होता है इस तरीके का एनिमेशन बनाने का, तो अभी क्या है कि मेरा जो स्टोरी है, मेरा जो स्टोरी है वो क्या है कि ये बंदा जो है, ये जो इंसान है, वो चलते हुए अपने घर की तरफ जाएगा और ये कुछ बोलते हुए जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग वॉइस ऐड कैसे करेंगे, तो देखिए वॉइस ऐड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप अपने ही खुद के वॉइस को अलग अलग टोन में बोलेंगे तो उससे अच्छा जुगाड़ कोई नहीं है, ठीक है। बट अगर आप वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसका भी तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपने एक ही वॉइस को अलग अलग तरीके से यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिकॉर्डिंग बटन, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग बटन पर इस तरीके से करेंगे क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट नाउ, ठीक है। इस स्टार्ट नाउ पर मैं क्लिक करूंगा और मैं जो भी मुझे बोलना है, जो भी मेरा स्टोरी है, मैं उस तरीके से मैं बोलूंगा। तो अभी मैं यहां पे इस तरीके से क्लिक करूंगा और मैं बोलना चालू करूंगा।
मेरे घर जाने में लेट हो गया, मेरे बच्चों को तो घूमने के लिए जाना था, मेरी बेटी तो तैयार थी आज आइसक्रीम खाने को जाने को लेके, बहुत ज़्यादा मेरी बेटी गुस्सा हो जाएगी आज। ठीक है, यहाँ तक मैंने बोला, मेरा रिकॉर्ड जब वो कंप्लीट हो चुका है और आप नीचे आप देख सकते हैं कि मेरा ये रिकॉर्डिंग है जो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब हमारा क्या था, अब यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझना कि मैंने बोला कब है और मेरा एनिमेशन स्टार्ट कब हुआ। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारा एनिमेशन जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो रहा था। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पर मैं जो मेरा पहला वाला जो वीडियो है उस वीडियो पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको ट्रिम दिख रहा होगा, ठीक है, ट्रिम पे इस तरीके से कर देना है क्लिक, और यहाँ पर ट्रिम टू लेफ्ट है ना, इसको कर देंगे हम लोग क्लिक, तो हमारा अनवांटेड पार्ट जो वो हट चुका है। अब हमारा वॉइस भी तो है कि हमारा वॉइस भी जो है मैंने लेट में कहा था, आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं कि यहाँ से बोलना हमारा वॉइस जो है वो चालू हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पीछे करूँगा, इस तरीके से अपने वॉइस पे इस तरीके से क्लिक कर दिया मैंने, स्क्रॉल करूँगा नीचे आऊँगा, यहाँ पर फिर से ट्रिम मिल जाता है और यहाँ से फिर से लेफ्ट टू ट्रिम कर देंगे। अब इसको घसका करके मैं बिल्कुल यहाँ पर लेते आऊँगा। ठीक है, अब हमारा जो भी कहना है वो इस तरीके से तैयार है। एक बार मैं आपको प्ले करके इसको सुना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं वॉइस चेंज करके भी आपको दिखाऊँगा। मेरे घर जाने में लेट हो गया, मेरे बच्चों को तो घूमने के लिए जाना था, मेरी बेटी तो तैयार थी आज आइसक्रीम खाने। ठीक है, इस तरीके से मैंने बोला, इस तरीके से आपने सुना कि इस तरीके से हमारा वॉइस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा यहाँ तक जाएंगे और यहाँ के बाद जो है ये वापस जो है अपने घर पे और चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये चीज़ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके वॉइस को मुझे करना है चेंज। तो क्या करेंगे, पहले इसके वॉल्यूम को बढ़ा लेंगे। अपने मैंने इस रिकॉर्डिंग वाले वॉइस पे मैंने क्लिक किया, मिक्सर का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इसको कर दूँगा मैं इस तरीके से पूरा कंप्लीट फुल, और इसको कर दूँगा मैं ऑटो वॉल्यूम पे। ठीक है, ऑटो वॉल्यूम पे यहाँ पे सारा कुछ सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसी में अपने वॉइस को चेंज करूँगा। तो क्या करूँगा, यहाँ जो पिच दिख रहा है इस पिच को मैं खींच करके कर दूँगा यहाँ तक, लगभग 4 तक। ठीक है, 4 तक मैं कर दूँगा। अब एक बार मैं आपको अब मैं प्ले करके सुना देता हूँ। मेरे घर जाने में लेट हो गया, मेरे बच्चों को तो घूमने के लिए जाना था, मेरे ठीक है, देखा आपने, वॉइस जो है हमारा बिल्कुल कंप्लीट चेंज हो चुका है। यहाँ तक हमारा एक पैराग्राफ, एक शॉर्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपका जो एक बटन दिख रहा है, ये सेव का बटन है। ठीक है, इस सेव वाले बटन पे इस तरीके से क्लिक करेंगे और अपने वीडियो को, जो ये वीडियो है हमारा, मैं उसको पहले सेव कर लूँगा। सेव मैं इसलिए करूँगा ताकि मैं जब इस तरीके का छोटा 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 जब मैं क्लिप बनाता हूँ, उस तरीके से क्लिप आप भी बनाइएगा, चूँकि बिगनर्स लोग के लिए वो सबसे बेस्ट होता है। एक साथ क्लिप बनाना, उसको तो एक साथ उसको मर्ज करेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग उसको कम्प्लीट कर लेते हैं। इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। हमारा वीडियो लगभग अब सेव होने को है, हमारा वीडियो कंप्लीट जो है वो सेव हो चुका है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब हमारा ये जो भी प्रोजेक्ट है इसको हम एज यूजुअल वैसे ही रहने देंगे, अब हम नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो इसको कर देंगे हम बैक, यहाँ से फिर न्यू प्रोजेक्ट पर लेंगे और यहाँ से फिर 16:9 का रेशियो, ये मैंने आपको शायद बताया नहीं, एक बार मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आप काइन मास्टर में वीडियोस बनाते हैं, अगर आप लॉन्ग वीडियो अगर आप बनाते हैं तो उस पर आपको साइज जो रखना है वो 6:9 का रखना है। शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे तो 9:6 का रखना है। तो मैं चूंकि लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 6:9 पर क्लिक कर दिया मैंने। प्रोजेक्ट का कुछ नाम देना है तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिगनर, मैंने यहाँ पे लिख दिया बिगनर्स। ठीक है, बिगनर्स लिख दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने सेव और यहाँ पे करूँगा मैं क्रिएट। जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमें साइज कौन सा रखना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब हमें यहाँ पे जो ग्रीन स्क्रीन था हमारा, यहाँ पे आपको दो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, कि ये दिख रहा है और एक ग्रीन स्क्रीन ये दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग इस पर काम करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि एक बैकग्राउंड को हमें यहाँ पे डालना होता है, जिसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रीन स्क्रीन के जब मैं वीडियोज़ बनाऊँगा तो उसमें मैं आपको बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए बताऊँगा, जो कि फ्री कॉपीराइट से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मैं आ गया एक एप्लीकेशन के ऊपर, यहाँ से ये मैं बैकग्राउंड को डाउनलोड करूँगा। ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है इमेज सर्च मैन, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत अच्छा ये एप्लीकेशन है, इस पर बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड कार्टून्स के कैरेक्टर्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे चीज़ यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे हम लोग विलेज बैकग्राउंड इनर। ठीक है, इनर घर के अंदर तरफ का, तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ इनर साइड विलेज, होम करके देखते हैं एक बार क्या आता है।
अगर मान लीजिए कि आपका जो भी इस तरीके का इमेज है, अगर मान लीजिए एक शॉट में अगर ना खुल करके आए, तो आपको अलग अलग तरीके से इसमें डालना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी ये डाला, तो आप देख सकते हैं कि ये विलेज आया तो है, बट ये कार्टूनी टाइप का नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं फिर से लिख दूँगा विलेज, जहाँ पर मैंने लिखा है वहाँ पर मैं लिख दूँगा कार्टून। ठीक है, यहाँ पर विलेज के बगल में मैं लिख दूँगा कार्टून। ठीक है, ये मिस्टेक आप लोगों से भी होगा, इसलिए मैंने इसको भी कवर किया यहाँ पे, ताकि आपको भी अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आए। अब देखिए, जैसे ही मैंने कार्टून लिखा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा कार्टून, यहाँ पे इस तरीके का कार्टून्स विलेज वाला बहुत सारा अपने पास यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, किसी एक को मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चल सकता है, तो मैं इसी को यहाँ पे उठा लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा है आपके पास, आपको जो मन करता है आप उठा लीजिए, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसमें स्टॉक लिखा हुआ है उसको यूज़ नहीं करना है, ना ही उस पर कोई सभी क्रॉपिंग करके छोटा करना है, कोई जुगाड़ लगाइएगा। ठीक है, इस तरीके से कोई काम नहीं करना है, तो आपको यूज़ वही करना है जो कि बिल्कुल फ्री है। तो मैं यहाँ से एक फ्री वाला मैंने इसको उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस पर यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे दबा करके मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, और हमारा जो भी है बैकग्राउंड है वो डाउनलोड हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग सीधा वापस से काइन मास्टर के पास। तो वापस से मैं आ गया अपने काइन मास्टर पे। काइन मास्टर पे जैसे ही आएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद जो पिक्चर मैंने डाउनलोड किया था, उस पिक्चर को मैं यहाँ से इस तरीके से इन करवा लूँगा। तो यहाँ पे मैंने डाला, और यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड जो है वो आ चुका है। अब क्या करेंगे, आप साइड साइड में देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये कट है ना, पूरा फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड पे इसी तरीके से टच करेंगे, यहाँ पे पेंजुम दिख रहा है, ठीक है, इस पेंजुम पे क्लिक करना है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से बड़ा कर दीजिए ताकि फुल स्क्रीन में ये कवर हो जाए। तो यहाँ तक मैंने किया, तो ये फुल स्क्रीन जो है हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कर दूँगा इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कर दूँगा इसको ऐसे, हमारा जो है ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हमारा वीडियो का लेंथ जितना लंबा रहेगा, इस बैकग्राउंड को भी खींच करके हम लोग इस तरीके से लंबा कर देंगे, तब तक कर देंगे जितना दूर तक हमारा वीडियो का स्क्रिप्ट चलता है। तो इसको मैं खींच करके लगभग इतना लंबा कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब ग्रीन स्क्रीन को हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट करवाएंगे। तो जिसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये लेयर का बटन है, इस लेयर वाले पर क्लिक करना है, यहाँ पर मीडिया का बटन है, इस मीडिया पर क्लिक करना है, और हमारा जो भी वीडियो था वो वीडियो को उठा के यहाँ लाएंगे। तो ये रहा हमारा मूवी वाला, और ये पहला था जो ये वाला, ठीक है, ये बेबी वाला और इसकी मम्मी वाला, ये वाला था, मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस पर चलाएंगे क्रोमा की। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये पूरा ग्रीन आ गया। तो अब कैसे काम करेंगे इस पर हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ग्रीन स्क्रीन को हटाएँगे। तो मैं इस वीडियो पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन खुल करके आ गया। तो यहाँ से स्क्रॉल कीजिए, नीचे आइए, नीचे आइए, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रोमा की। इस क्रोमा की पे इस तरीके से कर देना है क्लिक, और यहाँ पे है एनेबल का बटन, इसको कर देंगे हम लोग इस तरीके से एनेबल। तो जैसे ही एनेबल किया मैंने, आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर जो है कुछ इस पोजिशन में आ चुका है। तो इसको मैं इस पर बैठा दूंगा, और इस छोटी सी बेबी को मैं साइड में वहाँ पर खड़ा कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा स्क्रीन में अगर ग्रीन ग्रीन रहे, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा बहुत आप चेक करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एडजस्ट भी कर दिया। अब हमारा जो है ये तैयार है, अब एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए अभी इस तरीके से प्ले है, और ये बहुत अच्छे तरीके से अभी इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, एक चीज़ मैं इसमें शॉर्ट तरीके से मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं। अगर आप चाहते हैं कि ये बेबी को थोड़ा सा और सामने लेकर के आना, अगर आप चाहेंगे ये बेबी को कहीं दूर में रखना, कहीं भी रखना, तो आप कैसे रख सकते हैं, क्योंकि आपने ग्रीन स्क्रीन तो अलग तरीके से बनाया है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इस भी पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा है आपको, इस थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे डुप्लीकेट दिख रहा है, इस डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब क्या है कि अब आपके पास दो दो आ गया। ठीक है, ये कैरेक्टर जो दो दो आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन हमारे पास दो दो हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक को इस तरीके से क्लिक करूँगा, आप देख रहे हैं कि दो दो अपने को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने सेकेंड वाले पे जिसका डुप्लीकेट मैंने किया था उस पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्रॉपिंग करने का ऑप्शन आता है, ये रहा क्रॉपिंग करने का। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, माँ को जो है वो सेट कर दिया मैंने। अब ये बेबी आ गई यहाँ पे, और पहला वाला जो था, जो मेन हमारा स्क्रीन था, उसको भी मैं क्रॉप करके क्या करूँगा, बेबी को उसमें से हटा दूँगा। यहाँ से मैंने बेबी को कर दिया साइड। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर था वो
कुछ दूरी पे चला गया, ठीक है, वो यहाँ आ गया। अगर बड़ा करना है तो इस तरीके से आप बड़ा भी कर दीजिए। खींचना पड़ेगा यहाँ से पकड़ करके, कहाँ से पकड़ना पड़ेगा, यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से पकड़ करके इस तरीके से बड़ा कर दीजिए। छोटा करना है थोड़ा छोटा कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा बता दिया है इसमें, थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ा आ जाए आपको एडिटिंग करने में, कि एडिटिंग में ही सारा कुछ रहता है। चलो यहाँ तक आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको हम लोग एक बार प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए, जैसे मैंने प्ले किया तो दोनों एक्टिविटीज़ जो है बिल्कुल साथ में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अब इसमें हम लोग करेंगे वॉइस ऐड, तो वॉइस ऐड बिल्कुल उसी ही करेंगे जैसे मैंने पहले किया था। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ रिकॉर्डिंग बटन है, इस पर क्लिक कर देना है आपको। स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना, और इस पर मैं कुछ भी बोलना स्टार्ट करता हूँ। मम्मी मम्मी, अभी तो पापा आने वाले थे, हमें आइसक्रीम खाने के लिए बोले थे कि लेके जाएंगे, मगर अभी तक नहीं आए, तो क्या आज हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए नहीं जाएंगे? तो यहाँ तक मैंने बोला, ऑलमोस्ट मेरा ये जो है सारा कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक बाकी का इधर का जितना पार्ट है वो, अगर स्क्रिप्ट लंबा है तो उस तरीके से आप कीजिएगा, ज़रूरत नहीं है तो फिर कट करके हटा देना है। तो मैं यहाँ से मैं अभी क्या करूँगा, जो भी मेरा यूज़ हो चुका है मैं कट करके हटाऊँगा। बट उससे पहले वॉइस को पहले सेट कर लेना अच्छे तरीके से, जैसे कि यहाँ तक वॉइस जो गया है वो फालतू का चला गया है। तो वॉइस पे करेंगे क्लिक, फिर से करेंगे ट्रिम, और कर देंगे यहाँ से लेफ्ट। फालतू का चीज़ जो वो कट गया वो यहाँ आ गया, ठीक है। इसको खींच के मैंने वहाँ कर दिया, इसको मैंने खींचा है, ठीक है, इसको मैंने खींच करके यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक है। अब एक बार मैं प्ले करके सुना देता हूँ। मम्मी मम्मी, अभी तो पापा आने वाले थे, हमें आइसक्रीम खाने के लिए बोले थे कि लेके जाएं, ठीक है। अभी इसमें जो आवाज़ है वो मेरा खुद का, मतलब मेन का आवाज़ हो गया, ठीक है। बच्चे का तो आवाज़ लग नहीं रहा, तो इसका वॉइस को भी चेंज कर देते हैं। चलिए, इस वॉइस पे कर देंगे यहाँ पे क्लिक। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वॉइस चेंजर। वॉइस चेंजर पे यहाँ पे जाएंगे, स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा सा नीचे आइए, ठीक है। यहाँ पे आपको किड्स का मिल जाएगा, एंड अगर आपको और भी वॉइस अलग अलग चेंज करना है तो यहाँ बहुत सारा वॉइस है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि ये किड्स है तो मैं इसको किड्स पे मैं इस तरीके से क्लिक कर दूंगा। मम्मी मम्मी, अभी तो पापा आने वाले थे, हमें आइसक्रीम खाने के लिए, बिल्कुल अभी चेंज हो गया, ठीक है। और आवाज़ को इसको हम लोग को इस तरीके से बढ़ा देना है, ऑटो पे कर देना है, हो गया काम हमारा, बिल्कुल यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये चलेगा, इस तरीके से चलेगा। अब इसी में ही हम लोग क्या करेंगे, मैन का जो कैरेक्टर था हम लोग उसको इन करवाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैन वाले कैरेक्टर को भी इसी में ही इन करवा देते हैं। अब इसको हमें यहाँ पे लाना है वापस, इसको अपने घर में हम लोग को घुसवाना है। तो क्या करेंगे, जो भी इसका ऊपर में आप ब्लैक देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, ये वाले वीडियो पे क्लिक किया, और यहाँ से क्रॉपिंग करके मैं इसको कट कर दूंगा ऊपर से, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब इसका भी ग्रीन स्क्रीन जो है वो एनेबल कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, मैंने इस वीडियो पर क्लिक किया, यहाँ से स्क्रॉल करूँगा, नीचे जाऊँगा, क्रोमा किया था, यहाँ से मैं कर दूँगा इसको इस तरीके से एनेबल। अब इसको सेट करके आप देख लीजिए कि कहाँ तक आपका ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल कवर हो रहा है। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल जो सेट हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ से इस तरीके से लाऊंगा, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का देख करके लगे। तो यहाँ से ये घुस करके यहाँ तक आएगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँगा, थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ कि कहाँ से ये इन कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ से इन बंदा कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया कि यहाँ पे जो मैंने बैकग्राउंड लिया, अभी जो नीचे में मैट्स वगैरह बिछे हुए हैं, तो ये आदमी जो है इसके ऊपर ही चढ़ गया, ठीक है। तो यानी कि ये बैकग्राउंड आपके लिए इस तरीके से बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। तो बैकग्राउंड आपको वैसे ही रखना है कि जब वो चले तो उसके सरफेस में किसी तरीके से कुछ ना रहे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए यहाँ चढ़ रहा, तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको मैं इस वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, थोड़ा सा और नीचे आइए, यहाँ रोटेशन एंड मिरर का ऑप्शन दिखता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, इसको कर दिया मैंने इस तरीके से ओके। अब इसको थोड़ा सा साइज को इस तरीके से मिला देते हैं। अब ये बंदा यहाँ से चल करके यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप मैट के ऊपर नहीं चलेगा, अब ये बंदा यहाँ से चल करके आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको भी चला देते हैं फट से। आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये बंदा जो है चल करके यहाँ तक आ चुका है, इन कर चुका है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ये मिडिल पोर्शन तक हम लोग चाहते हैं कि ये चल करके आए। तो यहाँ तक ले करके जाते हैं, इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है, इस तरीके से पकड़ पकड़ के। जिस भी कैरेक्टर को आपको सेट करना हो, उसको आपको उस वीडियो को ही क्लिक करना होगा, तभी इस तरीके से आप सेट अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट कर दिया। थोड़ा सा आगे प्ले करके देख लेते हैं एक बार।
अभी इस तरीके से मस्त ये तरीके से अंदर आ रहा है, ठीक है। अंदर आने के बाद ये इस तरीके से रुकेगा और ये कुछ बोलना अपना स्टार्ट करेगा। फाइनली क्या है कि एक एनिमेशन जो है हमारा, इस तरीके का एनिमेशन जो है वो तैयार हो चुका है, ठीक। अभी क्या करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट होगा तो वॉइस उसी तरीके से आपको वॉइस भी ऐड कर देना, जो भी आदमी कहना चाहता है वॉइस ऐड करना है, चेंज करना, सारा कुछ मैंने आपको सिखा दिया और बता दिया। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग चाहते हैं कि ये बंदा यहाँ से चल करके आए, क्योंकि ये बंदा जो है काम करके आया और ये थक गया, ठीक है, और ये आ करके बेड में सुतेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने कट लगा दिया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया है, ठीक है। अब ये दो पार्ट में अभी यहाँ पे डाइवर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग अच्छे तरीके से पहले यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ताकि ये हमारा कैरेक्टर जो है बिल्कुल भद्दा टाइप का ना लगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से जैसे मैं प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको प्ले किया तो यहाँ आकर के कुछ इस तरीके से कर रहा है। बट अभी क्या है कि अभी मैं चाहता हूँ कि ये बंदा जो है आ करके अभी अपने बेड में सो जाएगा और सोते हुए कुछ बकवास करेगा, कुछ बोलेगा, ठीक है। तो एक ही एनिमेशन मैंने इस पर डाला था, आप उस पर चाहे तो अलग तरीके से सोने का भी एनिमेशन आप इसमें डाल सकते हैं। पूरा का पूरा कहानी, पूरा का पूरा वीडियो जो आपका अच्छा लगता है वो एडिटिंग के साथ ही लगता है। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा एडिटिंग में थोड़ा सा मैं इसमें चेंजेस करूँगा। अगर मान लीजिए कि आप एनिमेशन करते हैं, अगर मान लीजिए आप कुछ भूल जाते हैं तो उसको आप एनिमेशन में भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको जैसे यहाँ से ये चल के आया, ठीक है, यहाँ तक ये चल करके आ रहा है, थोड़ी देर तक ये चल के जैसे ही आता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये बोलना जैसे स्टार्ट करता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं बिस्तर पर लिटवा दूंगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको रोटेशन का एक बटन दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक मिरर पे करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रोटेशन का एक बटन दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग डालेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर जो है यहाँ पे आकर के इस तरीके से सो जाएगा, क्योंकि ये थक गया था इसलिए आकर के सो गया। तो एक बार हम लोग प्ले करके एक बार देखते हैं कि यहाँ से इस तरीके से चल करके आया, चल करके आने के बाद यहाँ जा करके ये सो जाता है। तो स्टोरीज वाले वीडियोज इसी तरीके से आप बना सकते हैं। अभी यहाँ पर लड़की भी कुछ कह रही है और ये अपना कुछ भी जैसे जो भी बकवास करना उस तरीके से बकवास वो सोए सोए में कर रहा है। अगर आप चाहे तो क्रोमाटोन्स का जो एप्लीकेशन मैंने दिखाया था उस पर भी आप एनिमेशन को इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे आएगा, रुकेगा, उसके बाद फिर जा करके बिस्तर में जा करके सोते हुए पूरा कंप्लीट बनाकर दिखा सकते हैं। तो चूँकि मैंने आपको बेसिक चीज़ बताया है उसमें, अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट मिले, अगर आपने कुछ बेसिक सीख लिया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी आगे लेवल तक ले करके जा सकूँ, ताकि आप भी कार्टून्स के वीडियो जितने भी आपको यूट्यूब पे दिखते हैं उस तरीके का आप क्रिएट कर सको, खुद से बना सको, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कर लेना है। करने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग का बटन जो दिखता है, इस रिकॉर्डिंग वाले बटन पे यहाँ क्लिक करके जो भी बोलना चाहते हैं उस तरीके से सेम चीज़ को रिकॉर्ड कीजिए और अपने वॉइस को कर दीजिए आप चेंज, ठीक है। रही बात इसमें हम लोगों को जो मैंने पहले जो ऐड किया था, ठीक है, जो पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसको हम ऐड कैसे करेंगे, इसके एक साथ में मर्ज कैसे करेंगे, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मीडिया पर मुझे जाना होगा, लेयर पर नहीं जाऊँगा, इस बार मैं मीडिया पर जाऊँगा, ठीक है। यहाँ काइन मास्टर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं जो हमारा वीडियो बना हुआ था वो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि जो मैंने बनाया था वो यहाँ से यहाँ तक ये चल करके आएगा, उसके बाद फिर ये बच्ची और मम्मी जो है वो बात कर रही है, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे करेंगे तो हमारा कैरेक्टर जो है वो इस तरीके से इन कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये बटन जो दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन लेना है आपको, वो क्लासिक ट्रांजेक्शन में क्रॉस फैट को लेना है, ठीक है। आप हमेशा इसको ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इसको यूज़ करने से क्या होगा कि जब ये यहाँ से चल करके यहाँ तक आएगा, बिल्कुल नेचुरल टाइप का लगेगा कि वो यहाँ से आकर के यहाँ पे इन कर रहा है, ठीक है। अब इसको करना क्या है, इसको आप इसी तरीके से कर लीजिए, आप सेव। सेव करने के बाद जब आप अपने वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप का आपका कार्टून्स का इस तरीके का एनिमेशन जो है वो बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने कुछ सीखा हो, अगर आप आगे भी चाहते हैं कि इसी तरीके का एनिमेशन, प्रोफेशनल टाइप का एनिमेशन बनाना सीखना, तो मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इसको सीख सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये था हमारा बेसिक ट्यूटोरियल बिल्कुल बिगनर्स लोगों के लिए। अगर आप एक्सपर्ट हो जाएं, इसको प्रैक्टिस करना है, जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तब आप मुझे आप डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेवल का एनिमेशन इस तरीके से बना करके बता सकूं, जिसमें एनिमेशन से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कि हम लोग इसमें कर सकते हैं। अभी मैंने बेसिक बताया, आगे बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।